नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन, भक्ति सागर में हूं आकाश। ये तो आप जानते ही हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पूजा पाठ को काफी ज्यादा मान्यता दी गई है, और ऐसा माना जाता है कि इस देश में हर दिन हर किसी ना किसी भगवान का दीदार होता है, हर दिन किसी ना किसी भगवान या देवी देवताओं के नाम होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से रोजाना भगवान का दीदार या पूजा पाठ करता है तो उसके प्रभु हर कलेश दूर कर देते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि हमारे घर से जुड़े हुए पूजा घर में भी कई सारी बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वरना हमें परेशानी का सामना जरूर करना पड़ता है। आज हम आपको अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में बताने वाले हैं कि हमें अपने घर की पूजा में किन किन तस्वीरों की पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी है। जी हाँ, ये वास्तु दोष का भी शिकार कर देती हैं। साथ ही हमें अगर इन मूर्तियों की पूजा करते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ता है। वहीं आपको ये भी बता दें कि ये बहुत ज्यादा परेशानी का सामना हमें करना पड़ता है। तो चलिए आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बताते हैं आखिर कौन सी हैं वो मूर्तियां। आपको बता दें, जिस मूर्ति में भगवान या देवी देवता क्रोधित रूप में हो, ऐसी मूर्ति की कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। साथ ही युद्ध करते हुए या किसी का विनाश करते हुए मूर्ति का पूजन करना काफी ज्यादा अशुभ माना जाता है। आपको बता दें, रौद्र रूप वाली और उदास मूर्ति के दर्शन करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है और परेशानी जरूर होती है। वहीं आपको ये भी बता दें, भगवान की मूर्ति घर में अगर ऐसी रखनी चाहिए जिनकी पीछे यानी कि पीठ के दर्शन बिल्कुल नहीं होने चाहिए। भगवान की पीठ के दर्शन होने से परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए पूजा गृह में भगवान की मूर्ति के पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए। साथ ही ये काफी ज्यादा परेशानी का कारण बनती है। वहीं भूलकर भी खंडित मूर्ति के दर्शन आपको नहीं करने हैं, वरना आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। खंडित मूर्ति की अगर आप पूजा करते हैं तो परेशानी का सामना जरूर करना पड़ेगा। वहीं आपको सबसे खास बात यह बता दें कि एक तरह की दो, मतलब कि एक भगवान की दो मूर्तियों के दर्शन भी पूजा गृह में अशुभ माने गए हैं। ऐसा माना जाता है कि आमने सामने बिल्कुल भी एक ही भगवान की दो मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, ना ही उनके दर्शन करने चाहिए। तो दर्शकों, आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए, बने रहिए नेक्स्ट नाइन भक्ति सागर के साथ। नमस्कार।